दोस्तों ओप्पो लॉन्च करने वाला है F11 Pro और F11 ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, और पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि वीवो नेक्स या फिर वीवो V15 की तरह बाहर निकलता है वो ऑडियो जैक के यहाँ से। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ओप्पो 11 में होगा ट्रिपल कैमरा सेटअप और एक आगे की तरफ पॉपअप सेल्फी कैमरा। इसके ट्रिपल कैमरा में है 48 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस 12 प्लस 12। 48 मेगापिक्सल का कैमरा है सोनी IMX586, जो इमेज कैप्चर करता है 0.8 माइक्रोन पिक्सल्स में। और इस इनका कहना है कि ये ट्रिपल कैमरा सेटअप ये नाइट पोर्ट्रेट के लिए बहुत ही अच्छे कैमरा है या फिर बहुत ही अच्छा फ़ोन है। 12 MP सेंसर उसका भी 0.8 माइक्रोन पिक्सल्स में फ़ोटो कैप्चर करता है। सोनी IMX586 का सेंसर, जो कि सैमसंग के फ़ोन्स में यूज़ होता है, और ये सपोर्ट करता है सुपर नाइट मोड फॉर बेटर लो लाइट फोटोग्राफी। इसके फीचर्स की, बाकी के फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें LED फ्लैश, HDR पैनोरामा वो तो सब होगा ही। शायद इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855, 2 GHz क्रेनो 485 एंड्रेनो 640 का GPU, CPU ऑक्टा कोर 2 GHz हो सकता है। ये चलेगा एंड्रॉयड 9.0 पाए पे। इसका स्क्रीन है IPS LCD टच स्क्रीन 60 मिलियन कलर्स में, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले, और इसका एस्पेक्ट रेशो है 19.5। रेजोल्यूशन है 1080x2340, सेम लाइक वीवो V15 Pro। और बाकी के फीचर्स, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट 18 वॉट, और हाँ इसमें वो सुपर वुक चार्जिंग वो भी होगा, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। इसमें सुपर वुक चार्जर भी है, शायद होगा ही क्योंकि ये लेटेस्ट स्मार्टफोन है, और अभी के जो लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं ओप्पो, उन सभी में वुक सुपर वुक चार्जिंग है, या फिर आप सुपर वुक चार्जर बाहर से खरीद सकते हैं और उसमें लगा सकते हैं। USB टाइप सी है, और ब्लूटूथ, ऐसे ही कुछ फीचर्स हैं। और इसका वेरिएंट्स हो सकते हैं 6 प्लस 64 और 6 प्लस 128 GB शायद। ये सारे फीचर्स शायद इसलिए हैं क्योंकि ये सारे फीचर्स अभी तक कंफर्म नहीं है कंपनी की तरफ से, इसलिए ये सब कुछ शायद हो सकता है क्योंकि ये लीक निकल के आए हैं, और लीक कभी शायद नहीं हो सकते, वो फिक्स होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें शायद ही कहना अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। We'll be right back.